अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक गाइड वसीम। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 20/1 को स्टार्ट हो गई है। आपका जो लास्ट डेट है वो 19/2/2024 तक रहेगा, जो कि आपका टाइम 12 बजे तक यानी 19/2/2024 तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे कि आप असिस्टेंट लोको पायलट जो कि रेलवे के फॉर्म आए हैं ALP के, वो फॉर्म ऑनलाइन फिल कैसे करोगे। बात की जाए इसकी एज की, आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल तक रहने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th रहेगी और साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें जो है आपको कुछ ट्रेड दिए गए हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड करके यहां से चेक कर सकते हो कि इसके लिए आपको कौन कौन सा ट्रेड जो है वो एलिजिबल है। जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या किसी के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, ITI ट्रेड होगा, विद 10th पास होगा, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ कि आप ALP के लिए, रेलवे ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल फ़ोन PC या कंप्यूटर के ब्राउज़र पे, आपको सर्च करना होगा recruitment.rrb.in। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको यहां पे जैसे कि देख सकते हो मैंने यहां पे साइट ओपन करके रखी है। तो यहां पे पहली ऑप्शन आ रहा है आपको अप्लाई का, आपको इस पर क्लिक करना है साइट क्लिक। उसके बाद आपको यहां पे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां से आपको पूरा चेकआउट करना है कि आपकी जो फीस है वो क्या रहेगी, आपका जो रिफंड है वो क्या रहेगा, वो यहाँ से आपको चेक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ देनी है कि आपका इसमें जो आपका स्कैनड इमेज रहेगा JPG फॉर्मेट में, जो कि 30 से 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। आपको नीचे आना होगा, यहाँ पे आपको आई हैव डाउनलोड CN2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप RAD RRB या RRC में नौकरी कर रहे हो, तो आपको यस कर देना, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ से नो कर देना। उसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बता रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से कंट्री नेशनलिटी सेलेक्ट कर देनी है, जैसे कि इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ से अपना फुल नेम डालना होगा, जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपको यहाँ से रीटाइप अपना फुल नेम करना है। यहाँ पर आपने अगर कहीं चेंज किया होगा अपना नेम तो यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ से आपको नो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एज पर रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट पे जो होगा फिर से रीटाइप आपको यहां से अपनी डेट ऑफ बर्थ कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट आप यहां से जो आपका ऑप्शन आ रहा है कैलेंडर का, उसके मुताबिक आप यहां से डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको अपना रीजेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको रीटाइप कर देना है। मदर नेम फिर से आपको रीटाइप मदर नेम कर देना है। यहाँ पर आपको डालना होगा अपना आधार नंबर, वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना होगा, आपके आधार पे एक OTP जाएगा, आपको वो यहाँ से फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना ईमेल ID डालना है। ईमेल ID डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करके यहाँ से OTP डालना होगा। फिर से नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको नीचे आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट OTP फिर से वेरीफाई करना है, फिर आपको एक पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको अपना कंफर्म पासवर्ड जो आप यहां से डाल रहे हो, इसमें आप कैपिटल लेटर एक, स्मॉल लेटर एक और एक स्पेशल लेटर और नंबर डाल के अपना पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो ने आपने यहां से क्रिएट किया होगा, कैप्चा डालना होगा, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, जो भी आपने डिटेल फिल की थी यहाँ पे। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर्स नेम, ईमेल ID। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आई हैव रीड चेक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
उसके बाद आपको दिखाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको दिखाएगा यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना होगा दो में से एक, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और लॉग इन पर क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया है बाय द वे, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ से पासवर्ड सेव करने के लिए बोलेगा, आपको यहाँ से नेवर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस अपने रीड आउट कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पहले चूज़ कर देना है कि आप किस RRB से अप्लाई करोगे। जिस भी RRB से आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैं जम्मू श्रीनगर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे पोस्ट नेम आ रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, आई एग्री टू सर्व रेलवे जोन वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाएगा अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार, आपको यहाँ से आपकी डिटेल आ जाएगी। नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना, आप मैरिड हो। उसके बाद रिलीजन अपना सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि डू यू विश टू अवेल फीस एग्जेम्पशंस, अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो आपको यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं तो। अगर आपकी कैटेगरी आ रही है जैसे कि SC ST, उनमें आपको फीस में छूट है। अगर आपका ओपन है तो आपको इसमें कोई फीस में छूट नहीं होगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ से अपना जो लैंग्वेज है वो डाल देना, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो। यहाँ से आपको अपना आइडेंटिफिकेशन विजिबल मार्क डाल देना है। उसके बाद दूसरा आइडेंटिफिकेशन यहाँ से आपको डालना होगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ से जो कम्युनिटी आप ओपन SC ST हो, तो आप यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद अगर आप यहां से यस करते हो फीस एजेंशंस में, तो आपको यहां से एक एफोडेट नॉन जुडिशल स्टैम्प वाला डालना होगा, जिसमें अगर आप माइनॉरिटी में आ रहे हो तो आपकी जो फीस है वो कम हो सकती है। अगर आप जनरल ओपन में आ रहे हैं तो आपको यहां से कोई फीस में कंसेशंस नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको अपना UT सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, जो भी होगा। फिर से आपको यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा, यहाँ से आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना वैलिड टोन डालना है। वैलिड टोन डालने के बाद यहाँ से आपको अपना पिन कोड फिल कर देना और टिक आई परमानेंट एड्रेस। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बता रहा है कि आप एक्सर्समैन है, आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आपको फिर से बता रहा है कि आपकी EBC होल्डर सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नो कर देना। उसके बाद आपको बता रहा है कि आप एम्प्लॉय हो इंडिया रेलवे में, तो आपको यहाँ से नो या यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से नॉट एप्लीकेबल डाल देना है। उसके बाद आपको बता रहा है कि आपने कोर्स जो है वो कंप्लीट किया होगा अप्रेंटिस का, तो अगर किया है यस करना, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ से नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी बैंक डिटेल डालनी होगी, जो कि रिफंड फी के लिए होगा। यहाँ से आपको अपना IFSC कोड और मोबाइल और अकाउंट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा अदर डिटेल सेव इट सक्सेसफुली, आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वो दिखाई है, तो आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है जो कि आपका मैट्रिकुलेशन होगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना बोर्ड, जैसे कि मैंने JK बोस से किया है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ पासिंग डाल देना है कि आपने 10th का जो एग्जामिनेशन है वो पास कब किया है, वो यहाँ से डाल देना। और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन जो कि 10th की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड होगी, तो यहाँ पे आपको जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डालनी होगी, जो भी आपकी एसेंशियल जैसे कि आपका जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैंने क्वालिफिकेशन ITI ट्रेड सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से अपना ट्रेड सेलेक्ट कर देना है, आपका इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, 8 इंजन है, जो भी आपने जिसमें ट्रेड किया है वो आपको यहाँ से अपना
ट्रेड डाल देना होगा, उसके बाद आपको अपनी स्टेट डाल देनी है, स्टेट डालने के बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ से नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुई है आपको वो डालना है, एनसीवीटी या एससीवीटी, उसके बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट टाइप आपका नेशनल ट्रेड है या स्टेट ट्रेड है आपको वो यहाँ से डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड वाल ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको दिखाएगा योर एजुकेशन डिटेल्स हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली, तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से नीचे आने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एप्लीकेंट का कलर फोटो अपलोड करना होगा, तो यहाँ से आपका जो फोटो साइज रहेगा जो कि आपका फॉर्मेट रहने वाला है जेपीजी या आप जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, फोटो का साइज जो है वो 30 से 70 के भी रहेगा, उसके बाद आपका जो सिग्नेचर इमेज है वो क्लेड होना चाहिए जिसका आपका फॉर्मेट जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो, इसका भी जो साइज़ है आपको 30 से लेके 70 के पी तक यहाँ से अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ से दोनों फाइलें चूज़ कर देनी है, ब्राउज करके चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको अपलोड एंड सेव पे क्लिक करना होगा, अपलोड एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा एप्लीकेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ से अपना ट्रेड सेलेक्ट कर देना है इलेक्ट्रीशियंस, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ की मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपना जोन, तो अगर आपको अपना जोन यहाँ से चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ से आई हैव एक्साइज चेक बाई ऑर्डर पोस्ट इस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्लेस अपना डाल देना होगा, जो भी आपका प्लेस रहेगा, प्लेस डालने के बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, यहाँ से आई हेयर डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ से पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आपको अपनी डिटेल चेक करनी है, चेक करने के बाद यहाँ से आई हैव चेक माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद बता रहा है एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू एनी करेक्शन, अगर आप यहाँ से सबमिट कर देते हो तो आप यहाँ से अपनी करेक्शन नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आगे फीस के लिए रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे जर्नल्स के लिए 500 फीस रहेगी और जो एसटी अदर कैटेगरी है उनकी जो फीस है वो 250 रहने वाली है, आपको यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना है और अपनी फीस पे कर देनी है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म सबमिट करने में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।